वेलकम बैक गाइस, और एक एक्साइटिंग बाइक के साथ में आए हैं जिसे आप देख सकते हो। ये है राजदूत की बॉबी, जिसे GTS 175 भी कहते हैं। अब इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानेंगे डिटेल में, वीडियो में आगे बने रहना। इसका राइड एक्सपीरियंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंजन सब कुछ देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा गुलशन कंपनी को, जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड की है। उनके पास ऐसे काफी सारी बाइक्स की कलेक्शन है, आपके साथ में फ्यूचर में वो बाइक्स भी शेयर करेंगे। सो थैंक यू गुलशन कंपनी। चलिए एक बाइक के बारे में जानते हो, तो आप सीधे बाइक के मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करेंगे। बाइक का मैन्युफैक्चरिंग ईयर था 1961 से लेके बाइक का पूरा मैन्युफैक्चरिंग, पूरा जो काल राज में थे चली वो थे 1984 तक, जो कि काफी ज्यादा था। बट बाइक को जो नोटिस मिला, जो बाइक को फेम मिला, वो जाकर मिला 1973 में, जब ऋषि कपूर जी की फिल्म रिलीज हुई थी बॉबी 1973 में। तब से इस बाइक का नाम बॉबी नाम से जाना गया। तो काफी लेजेंडरी बाइक है, काफी लोगों को पसंद थी बाइक उस जमाने में। यूथ के लिए तो काफी जरूरी बाइक कह सकते हो, काफी दिल के करीबी वाली बाइक थी। अब बाइक के इंजन से स्टार्ट करते हैं। बाइक के अंदर मिला करता था टू स्ट्रोक का 175 सीसी का इंजन, जो कि 173 सीसी था एक्चुअली, बट 175 ब्रांडिंग थी इसकी, जो कि प्रोड्यूस करता था पावर 7.5 bhp का और टॉर्क प्रोड्यूस करता था 12.74 न्यूटन मीटर का, जो कि काफी बढ़िया था इतने से बाइक के हिसाब से। ऐसी एक बाइक और की है हमने यहाँ पे, भाई आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि GT50 थी, जो कि इसी साइज में आती थी, बट वो थोड़ा सा कम है, 50 सीसी के अराउंड थी। ये 175 सीसी का इंजन, जो कि काफी अच्छा टॉर्क और पावर देता है आपको। अब बाइक के काफी सारे खूबसूरत चीजों के बारे में वॉक अराउंड में बात करते हैं। चलिए जल्दी से वॉक अराउंड देखते हैं। ये फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। बाइक के अंदर सामने आता है हेलोजन बल्ब, जो कि अपर डिपर दोनों भी मोड्स के साथ में मिलता है हमें। उसके बाद में फ्रंट में है शॉर्ट ड्रिलिंग विद डैम्पिंग का एक ड्यूअल सस्पेंशन, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, बट शॉर्ट ड्रिलिंग कहते हैं इसे, जो कि मेरे हिसाब से काफी कम एब्जॉर्प्शन करता है, बट दिखने में काफी ज्यादा प्यारा लगता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑन दिया गया है बाइक का, काफी सही। अभी चलते हैं इसके राइट साइड से, हमारी लेफ्ट साइड से, तो आप सबसे पहले नोटिस करोगे जो है इसका साइलेंसर, जो यहाँ से निकलता हुआ जाता है ऑल द वे बैक, पूरा यहाँ तक ये एग्जॉस्ट छोड़ कर आता है। आप भी बढ़िया, इतनी सारा उसके ऊपर कवर लगाया ताकि आपको उसका कोई भी चट्टा ना बैठे, जो कि काफी अच्छा कंपनी ने सोच के दिया था। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं इंजन 3 स्पीड के साथ में आता है। यहाँ पे आता है इसका पीछे वाला ब्रेक, जो कि उस साइड से ऑपरेट होता है, इस साइड से ब्रेक है। यहाँ पे चेन ड्राइव बाइक का, साइड से देखो आप, ज्यादा कुछ बाइक के अंदर दिया है, काफी सिंपल डिजाइन था। 175 सीसी का इंजन दिया है, साइलेंसर दिया है, ब्रेक दिया है, इंजन का कवर यहाँ पे, और इस साइड से इसका साइलेंसर। अब पीछे और ऊपर से बात करते, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इसकी की के बारे में, जो कि काफी एक्साइटिंग की है इसकी। और ये है इसकी की, इसके ऊपर कोई भी नॉचेस नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा इसे इंसर्ट करना है, और इस तरह होल में इसे कर दिए इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद में फिर ये सीधी सीधी ऑन ऑफ, दो नॉचेस है, ये लाइट के लिए ऑन और ये कंप्लीट ऑन, ठीक है। इसके बाद में अब हम देखते हैं बाइक को। बाइक काफी शानदार है, हमने जैसे कि अभी स्विचेस भी देखे इसके, बस स्विचेस के अंदर फिर क्या है, इधर है हॉर्न का स्विच, इधर है अपर डिपर और ऑफ, राइट साइड में कुछ नहीं है, सिर्फ दिया गया है ब्रेक और एक्सेलरेटर। अब बात करते हैं हम बाइक की लिफ्ट प्रोफाइल से। लिफ्ट प्रोफाइल में आप देखोगे तो फ्रंट ब्रेक का इस तरह से यहाँ पे दिया गया है हमें, वायर जो ऊपर से आती है फ्रंट ब्रेक की। ये छोटे छोटे टायर इतने क्यूट दिखते हैं ना, क्योंकि बाइक ही छोटी है। आपने जैसे कि अभी मैं खड़ा था तो आपने देखा होगा यहाँ पे आफ्टर मार्केट हमने एक फ्यूल कॉक लगाया है, उसके अंदर ही फिल्टर दिया गया है, उसके अंदर ही यहाँ पे बाइक के अंदर, जस्ट सेकंड बाइक के अंदर यहाँ पे एक बाइक का हेड शॉक, जो नीचे करने पे एंगेज होता है और ऊपर करने पे डिस एंगेज होता है। अब जो सबसे एक्साइटिंग बात है इस बाइक की, वो है कि इस बाइक के अंदर किक और गियर शिफ्टर एक ही हबिंग के अंदर आता है, यानी कि आप इस तरह इधर ही लेफ्ट साइड से किसे किक मार के स्टार्ट करोगे और फिर बाद में 1 down 2 up करके गियर करोगे। 1 down 2 up गियर है, 3 gear का, 3 speed का गियर बॉक्स है। तो ये काफी अलग चीज दी गई थी उस टाइम के हिसाब से, लेफ्ट साइड में किक फिर में गियर। फिर अगर आते हैं थोड़ा सा पीछे, तो राजदूत GTS का ब्रांडिंग दिया गया है, तो
ब्रांडिंग के बाद में, पर बाइक को सिर्फ बॉबी नाम से पहचानते 1973 के बाद में, जब ऋषि कपूर जी ने इसे चलाया था बॉबी फिल्म के अंदर। पीछे के लिए फुट पेडल, साइड स्टैंड और पीछे का भी टायर वैसे ही छोटा है, काफी छोटी टायर प्रोफाइल है। और अब बात करते हैं इसके टैंक के बारे में, तो टैंक 7 लीटर का दिया जाता था, टैंक को भी उसका इंडिपेंडेंट लॉक दिया जाता था, देख रहे हो इंडिपेंडेंट लॉक है जिसे हम चाबी से खोल सकते हैं, उसकी की अलग से मिलती है। 7 लीटर का फ्यूल टैंक देने के बाद इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की, ग्राउंड क्लियरेंस की बात हम इसकी आगे वाले आने वाले राइड में करते हैं। चलिए जल्दी से इस बाइक की राइड देखते हैं। तो गाइस अब हम चाबी को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। अब ये हो गई स्टार्ट, अब आपको बताता हूँ, पहले तो इसे ना ऑन करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने किक को पकड़ा है, इसी में ही गियर शिफ्टर है, इसी में ही किक है। तो इस तरह से पकड़ के लेफ्ट पैर से किक मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि हम राइट पैर से ही किक को ऑपरेट करते हैं। फिर भी ओके, और यहाँ पे हो गई है बाइक स्टार्ट। आप इसे 1 डाउन करते हैं और एक राइट मारिंग करते हैं। सेकंड में इसे शिफ्ट कर दिया हूँ और जैसे कि आप देख रहे हो बाइक काफी आराम से चल पा रही है। आहा, बहुत ही अच्छा। इसका जो न्यूटन मीटर का टॉर्क है ना, जो 12.74 दे दी है ये, उसकी वजह से एक काफी बढ़िया राइड एक्सपीरियंस हमें देखने मिलेगा, काफी जबरदस्त। आप बस देखो लोग किस तरह देख रहे हैं हमें पब्लिक रिएक्शन आना ही आना है भाई, काफी बढ़िया बाइक है। और 174 सीसी काफी अच्छे से पिकअप ले रही है, 175 सीसी है, 120 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है जो कि काफी बढ़िया है। बाइक के हाइट को लेकर देखो तो काफी अच्छा है। बस टॉप गियर में लग गई है बाइक, काफी बढ़िया। बाइक का जो साउंड है ना गाइस, वो इतना यूनिक साउंड है बाइक का, आपको अब मैं लफ्जों में नहीं बता सकता, शायद माइक्रोफोन में भी वो इतने अच्छे से कैप्चर ना हो पाए, पर जो बाइक का साउंड है ना वो काफी ज्यादा यूनिक है। मतलब काफी रुक रुक के स्ट्रोक है बाइक का, वे कॉन्स्टेंट स्पीड भी अच्छा खासा पकड़ रही है बाइक, जो कि काफी मतलब चलाने में बैठने में काफी कंफर्टेबल लगता है हमें। काफी छोटी बाइक हो गई, छोटी तो है बेशक पर काफी कंफर्टेबल है। मतलब अब जो बैठने का सिटिंग पोस्चर है वो आज के बाइक्स के मुकाबले भी काफी अच्छा है। ज्यादा स्पीड में भगाने के हिसाब की बाइक नहीं थी, माइलेज दे दी थी बाइक 30 km/L के अराउंड। 175 cc का इंजन है, 2 स्ट्रोक, जो कि 30 का माइलेज काफी बढ़िया निकाल के देती है। यही था बाइक के राइड के अंदर, अब देखते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, चलिए जल्दी से। तो कंक्लूजन में बात करते हैं गाइस बाइक के बारे में, काफी फन टू ड्राइव बाइक है, काफी जबरदस्त बाइक है ये, एक वन ऑफ द विंटेज बाइक्स में आप इसे काउंट कर सकते हो। अब इसके कॉस्टिंग की बात करें, यानी कि जो सर्विसिंग में कॉस्ट लग सकता है, सर्विसिंग के कॉस्ट का अनफॉर्चुनेटली हम नहीं अंदाजा लगा सकते इस बाइक के बारे में, कब कौन सा पार्ट चला जाए, जो कि मिलना भी काफी मुश्किल है एक वक्त के बाद में। मगर बाइक काफी बढ़िया है, 3 गियर का जो स्पीड बॉक्स आता है इसके अंदर, स्पीड गियर आता है, 3 स्पीड का गियर बॉक्स, वो काफी बढ़िया है। और रही बात माइलेज के वगैरह, तो ये एक शौकीन बाइक है, शौकीन लोगों के लिए बाइक बनी थी, और सही में पूरे शौक पूरी करती है बाइक जब आप चलाओगे। यही था आज की वीडियो में गाइस, नेक्स्ट वीडियो जल्दी करेंगे, थोड़ा वक्त लगता है ऐसी बेशकीमती गाड़ियों को ढूंढकर आपके तरफ लाने के लिए। जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, बाय।